चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। दरअसल आज पूरी बॉलीवुड के लिए खुशी का माहौल बना हुआ है क्योंकि आज बॉलीवुड के परफेक्ट कपल कहे जाने वाले काजोल और अजय देवगन की शादी की सालगिरह है। जी हां, साल 1999 में ये दोनों इसी दिन शादी के बंधन में बंधे थे और अब इनकी शादी को पूरे 21 साल हो चुके हैं। ये 21 साल का सफर इन दोनों ने बहुत ही खुशनुमा तरीके से मनाया है। जिस तरह से हमें कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि कैसे काजोल जो है वो हमेशा अजय देवगन की खिंचाई करती हुई नजर आती हैं। दरअसल आज हम आपको अपने इस खास पेशकश में दिखाएंगे कि शादी की सालगिरह के इस खास मौके पर अजय देवगन से क्या कुछ नायाब तोहफे काजोल को मिले हैं। चलिए दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको। अगर बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल के बारे में और इस लिस्ट में काजोल और अजय देवगन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी ये जोड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर आती है तो अपने दिलकश अंदाज से हर किसी को दीवाना बना लेती है। जी हाँ, बता दें आप लोगों को यहाँ पर कि काजोल और अजय जिनकी आज शादी की सालगिरह है, आज ये दोनों अपनी 21वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये मौका हमेशा से ही इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कि काजल और अजय देवगन जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हुए नजर आते हैं, कई बार कई इंटरव्यूज में अजय देवगन इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वो काजल से कितना ज़्यादा डरते हैं और कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। 1994 से इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और साल 1990 में जाके इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और दोनों ने एक दूसरे से जन्मों जन्मों तक का रिश्ता निभाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बता दें आप लोगों को यहाँ पर कि अजय ने अपने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा था कि दोनों ने कभी एक दूसरे से आई लव यू जैसे डायलॉग नहीं कहे, प्रपोज करने जैसी कोई बात हुई ही नहीं, हम एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे, शादी को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई, ये पता था कि करनी है। जिस वक्त इन दोनों की शादी हुई काजोल अपने करियर के शीर्ष पर थी, ऐसे में उनका ये फैसला मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चित और चौंकाने वाला रहा था। शादी के बाद काजोल की जो प्रायोरिटीज़ थी वो बदल गई, उन्होंने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया और फिल्में करना कम कर दिया। साल 2003 में उनकी बेटी न्यासा का जन्म हुआ और साल 2010 में वो बेटे युग के माता पिता बन गए और आज ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। अपने फैमिली में ये दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो काजोल और अजय देवगन हैं वो हमेशा सोशल मीडिया पर दिखावा करने से बचते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज काजोल की एक शॉर्ट मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस मूवी का नाम है देवी, जिसमें 9 औरतों की कहानी दिखाई जाएगी। जी हाँ, और ये रिलीज हुआ है काजोल और अजय देवगन के शादी के सालगिरह के मौके पर, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। बता दें आपको यहाँ पर कि इन दोनों के लिए ही ये खास बात है क्योंकि आज इनकी शादी की सालगिरह है और इस खास मौके पर काजोल ने अपने पति अजय देवगन को तो ये खास तोहफा दिया ही है। उसी के साथ अगर याद करें हम पिछले साल को, तो आपको बता दें पिछले साल बड़ा ही प्यारा पोस्ट काजोल ने अजय देवगन के लिए किया था और उस पोस्ट को आप हमारे रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। तो देखा आपने कि शादी के इस खास मौके पर काजोल की शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट फिल्म जो है वो काफी ज्यादा इंस्पायरेबल होने वाली है।
लोगों के लिए, साथ ही साथ काजोल और उनकी बहन तनिषा मुखर्जी दोनों ही इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और आपको ये भी बता दें कि आज ही अजय देवगन की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, जो कि दोनों कपल के लिए काफी ज्यादा खास बात हो जाती है। 24 मार्च को आएगी अजय देवगन की सूर्यवंशी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।